हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मटेरियल में टेबल कैसे यूज़ करते हैं। टेबल आज इतने दिन बाद हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा काफ़ी चीज़ समझना है आपको। उसके बाद आप टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, एक टेबल पे डेटा ला सकते हैं, जेसन का डेटा टेबल पे ला सकते हैं, अपना लोकल डेटा जेसन पे ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एंगुलर मटेरियल के वेबसाइट पे ले जाता हूँ और यहाँ पर टेबल पे मैं टेबल कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ टेबल यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। इस तरीके के टेबल दिखाने के लिए आपको क्या करने हैं वो सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। और कोई टेबल का डेटा एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, माउस ले जाओगे जिस डेटा पे वो डेटा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हो। और भी बहुत सारे टेबल हैं, ये देखो यहाँ पे पेजनेटर के साथ में है। तो फिलहाल अभी हम डेटा यूज़ करने वाले हैं टेबल ये वाला, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए करके सीखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ, CMD टाइप करता हूँ और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। सो मेरा ये एंगुलर मटेरियल के अंदर मेरा एंगुलर मैट नाम से फोल्डर है, इसके अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा डेटा होगा उन सारे डेटा को इरेज करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं HTML पे आऊँगा और यहाँ पे सिर्फ टूल बार अकेले रखूँगा और बाकी सारी चीज़ों को मैं हटा दूँगा। तो टूल बार हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, तो मैं अब यहाँ से इसको सारी चीज़ को रिमूव कर दूँगा। इसको मैं रिमूव कर दिया यहाँ से और इसको सेव कर दिया। सबसे पहले मैं टेबल यूज़ करूँगा। टेबल यूज़ करने के लिए अपने सबसे पहले तो HTML पे आता हूँ और मैं इस लाइन को पहले कॉपी कर लेता हूँ और अपने HTML पे पेस्ट करता हूँ। और जैसे पेस्ट करूँगा हमारा टेबल टैग ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। अब सबसे पहले इस लाइन का मतलब बताते हैं। ये टेबल टैग हमारे दो तरीके की प्रॉपर्टी कंटेन किया है। सबसे पहला है डेटा सोर्स जो डेटा बाइंडिंग के थ्रू है, ठीक है, और दूसरा है क्लास जिसके अंदर हमारी ये क्लास है। मैट एलिवेशन नाम का एक क्लास है जिसके थ्रू हमारा डेटा ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा और वो मैट एलिवेशन टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये हो गई स्टाइलिंग की बात। बट डेटा सोर्स जो है हमारा यहाँ डेटा बाइंड किया जा रहा है और सारा डेटा हमारा इस डेटा सोर्स के अंदर आएगा। अब हम सबसे पहले करते हैं API को इम्पोर्ट, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पे API पे आएंगे और यहाँ टेबल को मैं यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा, कॉपी करके अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आऊँगा और ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ को। मैं टेबल मॉड्यूल को भी काम करता हूँ अपने इंपोर्ट एरे मॉडल के अंदर, इंपोर्ट एरे के अंदर डाल देता हूँ। सेव कर दिया, हमारा इसका काम नहीं है तो इसे ऐसे रखते हैं। अब फिर से आते हैं यहाँ पर और अब इसके कुछ कोड को समझते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे टेबल प्रिंट कराने के लिए आपके पास एक इंटरफेस होना चाहिए। इंटरफेस लाइक दिस, देखो इंटरफेस इन्होंने बताया और मैंने कुछ वीडियो में अपने पुराने एंगुलर के वीडियो में इंटरफेस के बारे में बहुत सारे जिक्र किया हूँ। वहाँ पे आप जाइए और देखिए कि मैंने इंटरफेस के बारे में आप लोग को क्या क्या बताया, कैसे बताया, तो समझ जाएंगे। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी कर अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे आऊँगा और यहाँ पे भी कोई कोड नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है टी एस पार्ट, तो आज यहाँ पे कोड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने वाले हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा ID रहेगा एक, जो कि हमारा नंबर टाइप का है, ठीक है। दूसरा नेम है, तीसरा वेट है, चौथा पोजीशन है और ये सिंबल्स नहीं है। और ये चीज़ जो हमारा है, Ctrl+X करता हूँ इसको और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा हो गया इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जिसमें हमारा डेटा होता है। फिर से अगेन आता हूँ, वन सेकेंड, एक चीज़ और है, इसको मैं यूज़र नेम देता हूँ, आप समझना, ठीक है। इसलिए चेंज करके बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आए, अगर सेम मैं बता दूंगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ यूज़र नाम का एक इंटरफेस है जिसके अंदर इस टाइप के हमारे पास वैल्यू होंगे। ID उसमें नंबर टाइप होगा, नेम स्ट्रिंग होगा, वेट नंबर होगा, पोजीशन भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा। तो हम इसको एज ए स्ट्रिंग ही यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास डेटा है,
डेटा कहाँ है वो हम अपना यहाँ पे डेटा रखें जेसन फॉर्मेटर में। तो ये डेटा हम यहाँ से डायरेक्टली पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ भी देखो डेटा मिल जाएगा यहाँ पे भी, तो ये भी डेटा है ठीक है। तो मैं इस डेटा को नहीं रखूँगा, मैं अपना डेटा रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ दिस लाइन यूज फॉर शो डेटा टाइप ठीक है। ये डेटा टाइप शो करेगा और ये हमारा डेटा है। इसमें किस टाइप की वैल्यू है, वेट नंबर टाइप का है, पोजीशन हमारा ऐसे है, और नेम ऐसे है, और आईडी ऐसे है ठीक है। यहाँ पे कुछ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ इजली तरीके से, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना। और यहाँ पे मैं कुछ भी और भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेब। तो ये हमारा कुछ डेटा हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको आता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं जो एक्सपोर्ट क्लास के नीचे जो आप लिखा जाता है, ये एक तरीके का कॉलम होता है। कॉलम बेसिकली वही है हमारा, ये क्या है, नंबर कॉलम है, नेम कॉलम है, वेट कॉलम है, सिंबल कॉलम है, इसी तरीके से इन्होंने दिया है, और इन्होंने नंबर को पोजीशन से डिनोट किया है ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास भी अपना खुद का है, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करते हैं और अपने कोड पे आके पेस्ट करते हैं टीएस में। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दिए, तो हमारे पास आईडी है, नेम है, वेट है, एंड पोजीशन है ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा कॉलम शो करेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ यूज फॉर शो कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कॉलम्स को शो करेगा, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अगेन जो हमारा डेटा सोर्स बाइंड हो रहा है, जो हमारा एचटीएमएल है, और एचटीएमएल में ये जो डेटा सोर्स है इसको भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो डेटा सोर्स डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा सोर्स में हम क्या कहेंगे, एलिमेंट डेटा में जितना भी है उसको डेटा सोर्स में ले ले रहे हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे एज ए पास कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपको जो भी करना है आपको अपने एचटीएमएल में चेंजेस करने हैं। एचटीएमएल में चेंजेस करने का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये एचटीएमएल में आ गया। अब देखें यहाँ, नोट दैट दिस कॉलम कैन बी डिफाइंड इन एनी ऑर्डर ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर में दिखाता है। द एक्चुअल रेंडर कॉलम आर सेट एज ए प्रॉपर्टी ऑफ रो डिफाइन, एक्चुअल नंबर तभी दिखाएगा जब हम रो डिफाइन करेंगे, और रो इसमें कहाँ है, टी आर तो कहीं दिख नहीं रहा, नहीं है टी आर, ये रहा टी आर आपका ठीक है। ये तभी, ये जब तक आप यूज़ नहीं करोगे ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप कोई टेबल प्रिंट करा रहे हैं, कोई जेसन डेटा को अगर आप टेबल फॉर्मेट प्रिंट करा रहे हैं, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, नहीं तो ये डेटा आपका रेंडमली आएगा, सिक्वेंस नहीं आएगा, 1 2 3 4 फॉर्मेट नहीं आएगा, कोई इधर आएगा कोई इधर आएगा। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक पहला पोजीशन जो है उसको मैं लेता हूँ, पहले पोजीशन को अपने एचटीएमएल में आता हूँ, टेबल टैग के अंदर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे है आईडी कॉलम पे दूंगा, ये हमारा आईडी है, तो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ क्योंकि आईडी कॉलम है, और यहाँ पे नंबर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं आईडी देता हूँ ठीक है। अब इसको मतलब समझ लो, एनजी कंटेनर, आप लोग फैमिली हो गए एनजी कंटेनर से ठीक है। मैट कॉलम डिफाइन, जो मैट कॉलम है वो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ आईडी नेम से, जो हमारा आईडी मैंने दिया है, यहाँ पर जो आईडी दूंगा वैल्यू वही आईडी वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो क्योंकि ये आपको टीएच है, टीएच में हेडर है, वहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। उसके बाद लेट एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर जो भी हो एलिमेंट डॉट आईडी मुझे दिखा दे, और सारा सारा हमारा एलिमेंट डेटा में जो भी है हमारा डेटा सोर्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम कॉलम को कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो सिंपली कॉपी करा मैं इसको, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, पहला आईडी है, दूसरा नेम है, तो यहाँ पे मैं दूंगा नेम, एंड यहाँ पे मैं दूंगा नेम, इसको भी मैं दे दूंगा नेम कॉलम, ये होगा वेट। और वेट का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कॉपी करा इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट किया, यहाँ पे सेम ही पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी आईडी की जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद है हमारा पोजीशन, तो पोजीशन भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे भी पेस्ट किया, पोजीशन का पी कैपिटल कर देता हूँ, और ये पेस्ट कर दिया। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा अभी टेबल रन कर रहा है कि नहीं। अगर रन करेगा तो
तो ठीक है, नहीं करता तो भी हम इसको इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपना बैकएंड में करेंगे, एन जी सर्व हाइफन ओ। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट कर देता, तब तक मैं आपको आता हूँ टेबल पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ किया है, एक लाइन बची रहेगी, टेबल का विड्थ 100% कर देता हूँ, नहीं तो टेबल भी बहुत छोटे में दिखेगा। तो यहाँ पे CSS पे आता हूँ और ये टेबल का विड्थ मैं 100% दे दिया, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद ये भी सारी चीज़ें सही हैं, ये भी सारी चीज़ें डन है, और ऑलमोस्ट ये भी डन है। बस मैंने ये दो लाइन नहीं इंपोर्ट किया हूँ इस वजह से कि दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस लाइन को मैं नहीं लिखता तो क्या होता है। बेसिकली मोस्टली एरर दे सकता है, एरर नहीं देगा तो जैसा कि यहाँ लिखा है, नोट दैट दिस कॉलम कैन बी डिफाइंड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ये कॉलम्स को दिखा सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस ऑर्डर में दिखाता है। फिलहाल तो ये बंडल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है एंड इट्स टेक लिटिल बिट टाइम, बट डोंट वरी। ये टेबल हो जाने के बाद, इसके बाद मैं बहुत स्पीड में बताऊंगा क्योंकि टेबल ही इसमें का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेबल बताना, टेबल समझना बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। और क्योंकि जितना भी जो भी एंगुलर में डेटा का खेल होता है वो एरे होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का खेल होता है, उसको रेंडर कराना होता है, यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो क्रट सिस्टम इसमें मैं बता ही दूंगा बहुत आसानी से, आप लोग समझ जाओगे। उसके बाद लॉग इन लॉग आउट बता दूंगा, ये सब पैनल बनाना बता दूंगा, डैशबोर्ड अभी बताना बताऊंगा कि किस तरीके से डैशबोर्ड बनता है एंगुलर मटेरियल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और बहुत सिंपल तरीके से इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। अब देखो कंपाइलिंग होने लगा, हमारा टेबल सॉर्ट टेबल ये सारी चीज़ जितना मटेरियल वाला पार्ट है वो हमारा कंपाइल हो रहा है। तो फिलहाल इसको रिमूव कर दें। और हाँ, ये आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग पेज फाइनली रन हो गया है और यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं जो कि हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, आई थिंक उसी टेबल की वजह से डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। वेल मैं इसको इंस्पेक्ट करके जरूर देखना चाहूँगा कि एरर क्या दे रहा है। सो यहाँ पे एरर देख लो, दिखाई दे रहा है, हेडर फुटर रो ये सारी चीज़ें कुछ गड़बड़ कर रही हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया शायद, नहीं सही सही सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं उन दोनों को भी यूज़ करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या उसी का एरर है ये जो दिखा रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट TR को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और सेव करके एक बार चेक करता हूँ, अगर यही एरर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इस एरर को मैं अभी फिक्स कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक बार ओके फाइन, देखो वही एरर था, TR मैंने नहीं यूज़ किया था तो ऐसा दिख रहा था। अब देखो कितना शानदार सा दिख रहा है, हमारा नैव बार भी दिख रहा है और यहाँ पे हमारा टेबल भी दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं नेम ने नंबर नेम वेट एंड पोजीशन डेवलपर, ये सारी चीज़ कितनी शानदार से दिख रही है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर जूम कर दिया हूँ जिससे कि आपको डेटा सही से दिखें। फर्स्ट पे आशीष मिश्रा 60 डेवलपर, ठीक है, अमित 50 वेब, सुमित 58 डेवलपर, सैम 58 डिज़ाइनर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा हमारा बहुत शानदार रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक बार इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट में मैं वर्क करूँगा तो इसी पर रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि अच्छे से सारी चीज़ को देखिए, कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे कि, और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो बाकी चीज़ें यूज़ करने के लिए हैं इसको आप यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। व्यू सोर्स पे आप जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं, वैसे TS पार्ट में इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस जो भी होगा यहीं पे होगा। देखो डेमो टेबल यहाँ पे दिया है और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में क्या है। एक्स्ट्रा में बस यही चीज़ें हैं कि आपको इसको डायरेक्टली कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपने HTML पे आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, कॉपी करके सेव करना है। और मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ओके तो यहाँ पे TR भी थोड़ा सा चेंजेस है तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम TR को, और अपने इस लास्ट वाले TR पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल किया गया है क्लिक करने पे, देखो तो इसको भी मैं TS पार्ट से देख के कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ TS पार्ट पे और यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये रहा, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है, देखो एकदम सिंपल सा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा लुक एंड फील ला दिए हैं।
एक थोड़ा सा छोटे से चेंजेस करके और पेस्ट करके सेव कर दिया, और यहाँ पे हमारा बहरहाल यूज़र होगा क्योंकि हमने यूज़र पास किया है। सेव कर दिया और अब मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ अपना। अब मेरा भी टेबल वैसे ही वर्क करेगा जैसे इसमें वर्क कर रहा था। वेल, अभी नहीं वर्क कर रहा, लेट। अच्छा हाँ, HTML में भी कुछ थोड़ा सा चेंजेस था उसमें। कहाँ गया, ये रहा, ये HTML में हमने डेमो टेबल नाम से इसका क्लास लिया है, कॉपी करूँगा। CSS देख लेता हूँ, पहले CSS पेस्ट करता हूँ। कॉपी किया और CSS पे आया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया, और डेमो टेबल को भी कॉल कर लूँगा मैं। HTML पे आया और यहाँ पर मैं सिंपली डेमो टेबल को कॉल कर लूँगा और सेव कर दूँगा। अब मेरा प्रॉपरली वर्क करेगा जैसे उसमें हमारा कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो आ गया, माउस जहाँ पे ले जा रहा हूँ वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो क्लिक करता हूँ तो देखो बोल्ड हो जा रहा है, जिस पे जिस डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ बोल्ड हो जा रहा है, और ये बहुत शानदार, बहुत अच्छा दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसका डेटा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्लिक आशीष, क्लिक अमित, क्लिक सुमित, क्लिक सैम, ये ऑन क्लिक इवेंट पे जो मैंने कॉल किया था वही चीज़ है। तो इस तरीके से एंगुलर मटेरियल में डेटा टेबल यूज़ करते हैं। डेटा टेबल बहुत ईजी और बहुत आसान है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ पास कर सकते हो, सपोज दे सकते हो ऐसे H1 एंगुलर मटेरियल डेटा टेबल एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप क्लास यूज कर सकते हो टेक्स्ट सेंटर, अगर ये वर्क करे तो। वेल, लेट मी चेक। मैंने इसको सेव कर दिया और अगेन देखो बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो जिस चीज़ पे क्लिक नहीं करूँगा बाकी नहीं होगा, जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ डेटा बढ़ जाएगा। नॉन नियो पे क्लिक करो, नियो पे जिस पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ का डेटा आ जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी करें और वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।